दोस्तों, पितृपक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में चुपचाप यहाँ डाल दें एक मुट्ठी चावल, पितरों को मिलेगी मुक्ति, वर्षों के पितृदोष होंगे समाप्त। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विनी मास के अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह के शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते, जिनके पितर तृप्त और प्रसन्न नहीं होते, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते। उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। उनको कंगाली और गरीबी उनके जीवन में छाई रहती है। जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग पितृदोष और कई ग्रह दोषों से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरों को श्राद्ध तर्पण करने के लिए पृथ्वी पर भेज देते हैं। पितृपक्ष वो समय होता है जब हम अपने पितरों को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा छोटा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृदोष पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलती है। सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से ये छोटा सा काम करेंगे तो आपके पितर आपकी हर दुख तकलीफ से रक्षा करेंगे, आपको मालामाल बना देंगे। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ओम पितृदेवाय नमः जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। दोस्तों, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों को चावल के पिंड बहुत प्रसन्न और पसंद होते हैं। दरअसल चावल के तासीर ठंडी होती है, यही वजह कि चावल के पिंड पितरों को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावल के गुड़ लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए चावल के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जौ और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को जयासन्न कहा जाता है। जया यानी कि जया अन्न चावल और तरल से मिलकर बनता है। इसे प्रथम भोग माना जाता है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का ये उपाय आपको दोपहर के समय ही करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय तेज और सीधी पड़ती है। मान्यता है कि सूर्य प्रकाश में श्राद्ध कर्म पितृ सही प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह अग्नि का प्रयोग हवन यज्ञ आदि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितरों तक भोजन भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पितरों को भोग लगाने से पहले यानी कि दोपहर के समय पितरों को भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की उंगली को कुशा अवश्य ही पहने, यानी आपकी उंगली में कुशा अवश्य होना चाहिए। कुशा की शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कुशा की घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसे पवित्री भी कहते हैं। इसी वजह से हाथ में कुशा श्राद्ध कर्म करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल लेकर पितरों को भोग लगाने के लिए खीर बनानी है। जी हाँ दोस्तों, खीर श्राद्ध में बनाई जाती है। पिंड जो चावल से बनते हैं उन्हें
पयासन्न भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तरल और चावल से मिलकर पिंड बनाए जाते हैं। उसी प्रकार खीर को भी पयासन्न कहा जाता है क्योंकि खीर को भी चावल और तरल यानी कि चावल और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। खीर भी पितरों को पक्के हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता के अनुसार कभी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूरी भी इसमें बनाई जाती है, जो पूरी होती है पक्की पूरी। हमारे यहाँ पितृ अतिथि के रूप में पितृ पक्ष में आते हैं और उन्हें भोग में हम खीर पूरी खिलाते हैं। दोस्तों, खीर पूरी बनाने के बाद आप गाय के गोबर का एक उपल ले लें, उपले को आप गैस में रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रख दें। अब सुलगे हुए उपले को आप अपने मंदिर के पास रखें, मंदिर के पास खीर पूरी रखें, एक गिलास पानी भी अवश्य रखें। अब आप उपल में थोड़ा सा घी डालें, इसके बाद उपले पर थोड़ा सा आप यानी कि इसमें कपूर उसमें जलाएं। कपूर जलाने के बाद आप खीर की 3 आहुति अग्नि में इसमें डाल दें। इसके बाद पूरी का एक छोटा सा ग्रास तोड़े यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा तोड़े और अग्नि में रख दें। इस तरह पूजन करते समय आप इसे पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृदेवाय नमः जाप करें। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूरी के छोटे छोटे टुकड़े करें और पूरी को ऊपर खीर डाल दें। अब जल में छोटे पूरी और खीर पर लगा दें, यानी कि थोड़े से इसमें आप लगा दें। अब आप पूरी और खीर को पितरों को भोग के लिए अपने घर के छत पर रख दें। आपका घर है तो ठीक नहीं, आप द्वार पर भी रख सकते हैं और कौवे के लिए भी रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है, इसी वजह से गौ माता को भोजन हर कार्य में कराना जरूरी माना जाता है, जबकि पितरों का रूप कौवे को बताया गया है। मान्यता के अनुसार पितृलोक यमलोक में हमारे पितर वास करते हैं, यही वही यम का संदेह वाहक भी कौवे को माना गया है। पितर यानी पितर हमारे कौवे भी होते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में भोजन का एक हिस्सा कौवे को अवश्य देना चाहिए। कौवे को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कौवे आपके श्राद्ध में भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। यदि कौवे भोजन ग्रहण नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज और असंतुष्ट अतृप्त हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र माना गया है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसमें प्राण निकल जाते हैं, तब वो सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौवे का किया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। श्वान यानी कुत्ता यम के साथ रहते हैं, यही वजह है कि ग्रास खिलाने का प्रावधान कुत्ते को भी दिया गया है। इसलिए खीर पूरी बनाकर गौ माता को कौवे और कुत्ते को अवश्य ही खिलानी चाहिए। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को आप जो वाकई में गरीब हैं उन्हें जरूरतमंद को आप पितृपक्ष दौरान दान जरूर करें, अवश्य करें, उन्हें भोजन खिलाएं। पक्का भोजन भोजन का भी दान कर सकते हैं या फिर आप अन्य चावल गेहूं दाल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष दौरान किए गए दान पुण्य अक्षय होते हैं, यानी कि वो कभी भी क्षय नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान दान करने से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप जो भी वस्तुओं को दान करें वो सभी अपने पितरों के नाम से ही दान करें, जिससे आपके पितर प्रसन्न और तृप्त हो जाएंगे, आपको अपना आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चावल का छोटा सा उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितर तृप्त और प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार जनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिन पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है उन पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल का ये छोटा सा उपाय करने से आपके पितर हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें, एक मुट्ठी चावल ले लें और आप अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर जरूर आप रख दें। यानी आपको 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में जो पितृपक्ष का समय चल रहा है उसमें आप एक मुट्ठी चावल ले लें और अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर जरूर आप रख दें। या फिर आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि धन में वृद्धि हो, खूब पैसा कमाएं,
तो फिर एक मुट्ठी चावल आप इसे कपड़े में लपेटकर आप अपने धन पेटी के स्थान पर रख दे तो धन की कमी कभी नहीं होगी और पितर प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आप अपने घर के जो आपका आंगन है या फिर आपका छत है तो दक्षिण दिशा की आप और जरूर इसे छिड़क दिया करें डेली, यानी आपको 16 दिन डेली छिड़कना है एक मुट्ठी चावल, और लाल पुष्प भी वहीं पर डाल दें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान आपको 16 दिनों तक अपने घर के दक्षिण भाग पर, अगर आपके घर में आंगन है तो आंगन में दक्षिण दिशा के भाग पर, या फिर आपके पास आंगन नहीं है तो छत पर आप क्या करें, दक्षिण दिशा की तरफ अच्छी तरह से वहां साफ सफाई कर लें, पोछा कर लें, और फिर आप वहीं पर थोड़े से चावल और थोड़े से फूल जरूर छिड़क दिया करें, इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राशि का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमें जरूर मिलेगा, तो हम आपको कमेंट के द्वारा रिप्लाई में बता देंगे। जय शनिदेव।